चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं यूपी पेट के जो पेपर हुआ मॉर्निंग शिफ्ट का, उसमें जो विज्ञान के प्रश्न आए हुए हैं उनको देख लेते हैं। इससे आपको ये पता लग जाएगा कि किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आगे आने वाली परीक्षा में जो आपकी होनी इसी लेवल के क्वेश्चन आप तैयार कर लीजिए। तो पहला क्वेश्चन देखेंगे, इसमें पूछा है निम्नलिखित में कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है, अर्थात जो ग्लोबल वार्मिंग मतलब वैश्विक उष्णायन के लिए जिम्मेदार कौन सी गैस है। तो देखो इसमें जो ग्रीन हाउस गैस CFC है, कौन सी CFC, क्लोरो फ्लोरो कार्बन बोलते, यही आपका आंसर सही हो जाएगा। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अब पूछे कहाँ से उत्सर्जित होती, तो आपकी AC हो गई और जो घरों में रेफ्रिजरेटर होते जिसको हम लोग आमतौर पर फ्रिज बोलते उससे निकलती CFC, तो ये आंसर सही हो जाएगा। अगला देखेंगे, अगला क्वेश्चन पूछा गया था निमोनिया में कौन सा अंग प्रभावित होता है। तो देखो निमोनिया हो गया, TB हो गया, जुखाम हो गया, इसमें सब में फेफड़े प्रभावित होते हैं। अब इस क्वेश्चन को देख के हमको ये पता चला कि इस प्रकार ये जो पेट वाली परीक्षा हो रही है इसमें प्रभावित होने वाले अंग पूछे जाते हैं। तो जितने भी रोग हैं उसमें जो प्रभावित होने वाले अंग हैं उनको अच्छे से आप देख लेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें तो दोस्तों जितने भी आप रोग याद करेंगे उससे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या, प्रभावित होने वाले अंग भी देख लेंगे। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, इसमें निम्नलिखित में से कौन सा वनस्पतिक रेशा नहीं है, वनस्पति रेशा नहीं, तो नायलॉन, कार्टन, जूट, फ्लैक्स, ये तीनों हैं, लेकिन जो आपका नायलॉन यही आंसर सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, बस बस ख़त्म है आपके। तो इसमें अगला क्वेश्चन है तारों का रंग किस पर निर्भर करता है, जो तारे हैं ना उनका जो आपको कलर दिखता है किस पर निर्भर करता है। तो तापमान गलत हो जाएगा, दबाव गलत हो जाएगा, प्रदूषण गलत हो जाएगा, जो दूरी है ना तो दूरी पर ही तारों का जो रंग है वो क्या करता है, निर्भर करता है। तो दोस्तों सबसे पहले तो आप क्या तैयार कर लेंगे, जितने भी प्रभावित होने वाले अंग याद कर लेंगे और जो क्या ये मेथेन हो गई और क्लोरो फ्लोरो कार्बन हो गई और SO2 सल्फर डाइऑक्साइड हो गई, इन सब गैसों को देख लेंगे। यही सब क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं। देखो पेपर का लेवल देखा जाए तो विज्ञान बहुत इजी आ रही, बहुत ज़्यादा टफ नहीं आ रही दोस्तों। तो वीडियो अच्छा लगा और चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।